दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना हो गया था, मैं लगभग 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर कहा कि इस लहर में मौतें कम हो रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें।